कहानी की शुरुआत में हमें हाना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हाना मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बहुत ही मोटी थी, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड की इतना लकी नहीं थी क्योंकि उसके पास मेरे जितना हैंडसम कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इसीलिए वो एक बंगाली बाबा से अपने क्रश के ऊपर जादू टोना करवाने के लिए जाती है ताकि उसका क्रश उसे बाबू सोना कहने लगे। लेकिन बाबा पहले तो हाना के शरीर और होलिये को देख कर उसकी खूब बुराई करते हैं और फिर बाद में उसे एक मंत्र लिख कर देते हुए से कहते हैं कि इस मंत्र से कोई ना कोई तुम्हारे खूबसूरती के जाल में जरूर फंस जाएगा। हाना बाबा का उस मंत्र के लिए उसके सामने झुककर शुक्रिया कहना चाहते थे, लेकिन ऐसा करते हुए वो बाबा के टेबल पर गिर जाती है जिससे बाबा के फेस पर कटोरे में रखा खून गिर जाता है और बाबा के भगवान की मूर्ति भी टूट जाती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाना को फोन पर एक बॉयफ्रेंड मिल गया था जो डेली रात में उससे रोमांटिक बातें किया करता था, लेकिन वो शादीशुदा था। नेक्स्ट डे हम कोरिया के मोस्ट फेमस सिंगर एमी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। कोरियन एमी की सिंगिंग की दीवानी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस स्टेज पर एमी कॉन्सर्ट कर रही थी ठीक उसी के नीचे हाना भी गाना गा रही थी। अब जब हाना मेरी गर्लफ्रेंड की जितना मोटी थी तो उसकी आवाज उसके इतनी प्यारी क्यों नहीं होती। दरअसल स्टेज पर परफॉर्म तो एमी करती थी लेकिन गाना हाना गाती थी। दुनिया जिस आवाज की दीवानी थी वो आवाज हाना की थी, लेकिन उस आवाज का चेहरा एमी बने हुए थी और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि सैम नाम का एक आदमी था जिससे हाना प्यार करती थी। वो एमी के ब्यूटी के साथ हाना की आवाज को मिलाकर अपने डैड के कॉस्मेटिक ब्रांड को प्रमोट कर रहा था जिससे उसके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हो रहा था। हाना गाना गाते गाते बहुत एक्साइटेड हो जाती है और डांस करने लगती है, लेकिन तभी उसका स्टेज टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है जिससे कि एमी का गाना रुक जाता है। इसीलिए सैंग तुरंत ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए स्टेज पर लगे फायर क्रैकर्स को जला देता है और जल्दी से हाना को बाहर आकर गाना कंटिन्यू करने को कहता है, जिसके बाद हाना तुरंत गाना गाना शुरू कर देती है और रेमी वापस से लिपसिंग करते हुए परफॉर्म करने लगती है। खैर उनका कॉन्सर्ट बहुत ही हिट होता है। कॉन्सर्ट के बाद एमी हाना से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें डांस करने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस अपने गाने को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है और हाना को गले लगाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी हाना भी एक्साइटेड होते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रात को हाना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के लिए जाती है। उसकी दोस्त का नाम मीन होता है जो एमी के लिए ही स्टेज पर बैकग्राउंड सिंगिंग किया करती थी। हाना बैठकर खाए जा रही थी, इसीलिए मीन उससे कहती है कि एक दिन तुम खाका कर फट जाओगी, जरा अपने आप को देखो, क्या कभी किसी ने तुमसे प्यार भी किया है। तभी हमें हाना के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक सेल्समैन हाना को डेट करने के बहाने से उसे अपने कंपनी के डाइट पिल्स बेचने की तैयारी में था जिससे वो पतली हो जाए। उसके काफी रिक्वेस्ट करने के बाद एक दिन हाना उसकी दवाई खरीद लेती है और जल्दी पतली होने के बारे में सोचकर एक ही दिन में ढेर सारी गोली खा लेती है, लेकिन इससे वो आधा पौना इंच भी पतली नहीं होती, बजाय इसके वो बीमार पड़ जाती है, उसे दस्त लग जाते हैं, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। फिर हाना मिन के साथ रेस्टोरेंट से लौटने लगती है तो उसे एक स्टोर के डिस्प्ले में एक बहुत ही प्यारी ड्रेस दिखाई देती है, लेकिन वो उसे पहन नहीं सकती थी, इसीलिए वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। हाना और मिन वहाँ से एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं और हकुना मटाटा के सिंबल वाला एक जैसा टैटू बनवाते हैं। नेक्स्ट डे वो फिर से एमी के लिए कॉन्सर्ट करने के लिए जाती है। कॉन्सर्ट के बाद सैंग हाना को पागल खाने छोड़ने जा रहा था क्योंकि उसके डैड वहीं रहते थे। तभी वो कहता है कि सभी को तुम्हारी तरह होना चाहिए, तुम बहुत अच्छा गाती हो। हॉस्पिटल पहुँच कर सैंग उससे कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। सैंग के जाने के बाद हाना बहुत खुश होती है, वो कभी बोल तो नहीं पाई थी लेकिन उसे लगता था कि शायद सैंग भी उसे पसंद करता है।
फिर जब हाना अपने डैड से मिलती है तो वो खुशी के मारे अपने डैड के साथ डांस करने लगती है, जिस पर वो कहते हैं, बेबी दिन ब दिन तुम बहुत ही पतली होती जा रही हो, कुछ खाया पिया करो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हाना सैंग के बर्थडे में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मिन उसके लिए एक डिलीवरी लेकर आती है जिसे सैंग ने भेजा था। हाना उसे खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। हाना उस ड्रेस को पहनकर रेडी हो जाती है और फिर सैंग के पार्टी में जाती है। सैंग हाना को देखकर उसे अपने पास आकर बैठने को कहता है। वो उसके पास बैठने लगती है तो कॉस्मेटिक कंपनी का प्रेसिडेंट चोई, जो सैंग का भाई भी था, वो हाना से कहता है कि तुम अपना कोट उतार कर आराम से कंफर्टेबल हो जाओ। जिसके बाद हाना अपने कोट को उतारती है तो चोई कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत ही सेक्सी लग रही हो। तभी वहाँ पर एनी भी सेम वैसा ही ड्रेस पहनकर आती है। उसे देखते ही हाना एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सैंग बाथरूम में फ्रेश होने जाता है, जहाँ एनी भी उसके साथ थी। वो उससे पूछती है कि तुमने उसे मेरी जैसी ड्रेस क्यों दी, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते। जिस पर वो कहता है कि जरा तुम उसे देखो और फिर खुद को देखो, वो तो तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है, वो तुम्हारे लिए गाना गाती है, इसीलिए मैं उसके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, नहीं तो अगर उसने गाना बंद कर दिया तो तुम्हारे इमेज का क्या होगा, हमें उसका अच्छे से यूज करने के लिए उसका ख्याल रखना चाहिए। तभी हम हाना को देखते हैं जो टॉयलेट में बैठकर सैंग की बातें सुन सुन कर रो रही थी। सैंग के टॉयलेट से जाने के बाद हाना भी वहाँ से निकल जाती है। घर जाते वक्त वो बहुत दुखी थी और फिर घर पहुँच कर वो गैस को खुला छोड़कर खुद की जान लेने का सोचती है, लेकिन तभी उसके फोन वाले बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है और वो उसे गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिसके बाद हाना मरने के प्लान को कैंसिल करके नेक्स्ट डे एक डॉक्टर के पास उससे मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवा कर सुंदर बनना है। जिस पर डॉक्टर हाना से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हद से ज्यादा मोटी और बदसूरत हो। तभी हाना उसे वो गाना गाकर सुनाती है जो वो अपने फोन वाले बॉयफ्रेंड के लिए गाया करती थी। दरअसल हाना का जो बॉयफ्रेंड था वो यही डॉक्टर था। हाना अपने साथ उसकी और अपनी रिकॉर्डिंग की टेप भी लाई थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी सर्जरी नहीं की तो मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। जिसके बाद डॉक्टर उसका सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सर्जरी शुरू किया जाता है जो कई घंटों तक चलता है। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हाना के गायब होने की वजह से सैंग बहुत परेशान था, क्योंकि अब वो एनी के नए एल्बम को लॉन्च नहीं कर पा रहा था। कई महीने के बाद अब हम हाना को देखते हैं, जो अब काफी पतली हो चुकी थी। फिर एक दिन वो अपने फेस पर कपड़ा बांधकर अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उन्हें अपना डॉल दे देती है, जो उसके डैड ने उसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दिया था। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब डॉक्टर हाना के चेहरे से पट्टी हटाने वाले थे। जब वो पट्टी हटाते हैं तो सारे डॉक्टर उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। हाना अब बहुत ही सुंदर बन चुकी थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे डॉक्टर को गले लगाकर खूब रोती है। फिर जब वो हॉस्पिटल से जाने लगती है तो उसे रास्ते में वो क्लॉथ स्टोर के बाहर डिस्प्ले में वही ड्रेस लगी हुई मिलती है जिसे वो पहनना चाहती थी। वो फौरन स्टोर में जाकर उस ड्रेस को खरीद लेती है और वहीं से पहनकर पूरे शहर में घूमने लगती है। सूरत तो हैंग ने बदल ली थी, लेकिन सीरत अभी भी वही थी। वो उस ड्रेस को पहनकर बहुत चमलाती है, जिससे आसपास के लोग उसे देखकर पागल समझने लगते हैं। वो घूमते घूमते एक मॉल में चली जाती है, जहाँ सैंग एनी से अपने कंपनी के एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर साइन करवा रहा था। हाना उसे देखते ही छुप जाती है। फिर जब सैंग और एनी वहाँ से जाने लगते हैं, तो वो उनका पीछा करती है, लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय हाना की खूबसूरती को देखकर अपना एक्सीडेंट करवा लेता है। हाना उस डिलीवरी बॉय को जैसे ही उठाने के लिए जाती है, सैंग भी वहीं आने लगता है, लेकिन वो डिलीवरी बॉय के हेलमेट को पहनकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हाना सैंग का पीछा करते करते एक कार के शोरूम में पहुंच जाती है, लेकिन शोरूम का मैनेजर हाना को देख लेता है और उससे पूछता है कि आपको कौन सी कार लेनी है, जिस पर वो कहती है कि क्या 1500 में कोई कार मिलेगा।
शोरूम का ओनर हाना को पहले ही नजर में दिल दे बैठा था, इसीलिए वो हाना को 1,000 रुपए में एक कार दे देता है। हाना उस कार को लेकर रोड पर निकल जाती है, लेकिन उसे ठीक से कार चलानी नहीं आती थी। वो कार ले जाकर एक दूसरे कार में ठोक देती है, जिसके बाद दूसरे कार का मालिक हाना के कार के पास आकर चिल्लाने लगता है। लेकिन जब वो हाना की खूबसूरती को देखता है तो वो उससे कहता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और वो भी हाना को देखते ही उससे पूछते हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। लेकिन तभी उस एक्सीडेंट वाले आदमी के सर से खून बहने लगता है। उसे देखकर उसकी बीवी भी घबरा जाती है, लेकिन वो कहता है अरे कोई बात नहीं, ये सब होता ही रहता है। तभी उसकी बीवी ऑफिसर पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि इसे ड्राइविंग नहीं आती, तुम इसके ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करो। ऑफिसर जब हाना के ड्राइविंग लाइसेंस को देखते हैं तो उसमें हाना की पुरानी फोटो थी, इसीलिए वो लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बुलाकर ये कंफर्म करवा दो कि ये तुम हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जिसके बाद हाना मेई को कॉल करती है, लेकिन जब मेई वहाँ आती है तो वो एक दूसरी मोटी लड़की को हाना समझकर उसका हालचाल पूछने लगती है। उसे लगता है कि हाना ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है, जिससे कि वो थोड़ी पतली हो गई है, इसीलिए वो उसे पहचान भी नहीं पा रही है। तभी हाना उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाकर हकुना मटाटा का वो टैटू दिखाती है जिसे उसने उसके साथ बनाया था। जिसके बाद मेई समझ जाती है कि वही असली हाना है, लेकिन वो भी उसे इस रूप में देखकर काफी हैरान हो चुकी थी। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां मेई उसे बताती है कि सैंग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है, तुम्हारी वजह से एनी का सेकेंड एल्बम अटका पड़ा है। इधर हम सैंग और उसके भाई चोई को नए नए कंटेस्टेंट का ऑडिशन लेते हुए देखते हैं, ताकि वो उसे हाना की जगह यूज कर सके, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट उन्हें पसंद नहीं आता। तभी मेई सैंग को हाना का सीवी ला कर देती है, जिसमें उसका नाम जेनी था। जेनी गाना शुरू करती है। सैंग और उसके लोग जब जेनी की आवाज सुनते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। सैंग को उसकी आवाज बिल्कुल हाना की तरह लगती है, जिससे कि सैंग की पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद चोई और सैंग हाना के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं, जिसमें सैंग हाना से कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मुझसे उस दिन कहा था कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। हालांकि हाना ने उसे ऐसा कभी नहीं कहा था, लेकिन वो चोई के सामने उसे ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अब वो एनी की जगह जेनी को लॉन्च करना चाहता था, क्योंकि वो उसे एनी से ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसके बाद जेनी को लॉन्च करने से पहले उसका फोटो शूट और कॉस्मेटिक कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग कराया जाता है, लेकिन एनी जेनी को अपनी जगह पर कैसे देख सकती थी, इसीलिए वो हाना के डैड के पास हाना के बारे में पता करने के लिए आती है। लेकिन हाना के डैड उसे हाना के बारे में कुछ नहीं बताते क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत ही कमजोर थी। तभी हाना के डैड को सुसु लग जाती है, इसीलिए एनी को उसे टॉयलेट लेकर जाना पड़ता है। वो वहाँ पर सैंग को फोन करती है तो सैंग उसका फोन काट देता है, जिस पर वो कहती है कि काश मैं भी एक सिंगर होती। उसकी बातों को सुनकर हाना के डैड उससे कहते हैं कि वो भगवान है जो सब कुछ कर सकते हैं, हम इंसान तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। इधर हाना और मेई पूल के किनारे लेटकर धूप सेक रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़का आकर वेप करता है। हाना को लगता है कि वो लड़का उसे देखकर वेप कर रहा है, लेकिन तभी मेई उसके पास चली जाती है क्योंकि वो मेई का बॉयफ्रेंड था। मेई के जाने के बाद हाना को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि जब वो धूप सेक रही थी तो उसके हाथ के निशान उसके आर्टिफिशियल सिलिकॉन चेस्ट पर पड़ गया था, इसीलिए डॉक्टर उसे धूप में 3 घंटे से ज्यादा देर तक रहने से मना कर देते हैं। फिर डॉक्टर हाना से कहते हैं कि तुमने अपनी सूरत तो बदल दी है, लेकिन तुम्हारी सीरत अभी भी वैसी ही है, तुम अब खूबसूरत हो गई हो, इसीलिए तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने और एटीट्यूड में रहने की जरूरत है। इसके बाद सैंग उसे गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाता है, जहां वो इतराते हुए डांस करते करते गाना गाने लगती है। उस तौर तरीके से गाने में थोड़ा भी फील नहीं आ रहा था, इसीलिए सैंग उसे हाना का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो गाना गा रही थी। सैंग उससे पूछता है कि जेनी क्या तुम इसकी तरह गा सकती हो, जिस पर वो कहती है ये तो बहुत ही बदसूरत है। ये सुनते ही सैंग उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, तुम उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो, तुम अगर आज यहाँ पर हो तो इसी की वजह से हो,
ये सुनकर हाना मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर जब वो घर जाती है तो वो मेई को वो सारी बात बताती है। हाना कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं सैंग को बता दूँ कि मैं ही हाना हूँ। जिस पर मेई कहती है कि ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अब तुम नेचुरल नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल लड़की हो। सब मर्द एक जैसे होते हैं। वो प्लास्टिक सर्जरी को बढ़ावा तो देते हैं, लेकिन वो इसे अपने औरतों को कभी करने देना नहीं चाहते, क्योंकि इससे वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहती, वो एक मॉन्स्टर की तरह बन जाती है। हाना कहती है कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे मेरे प्लास्टिक सर्जरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर मेई कहती है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। हाना कहती है कि अगर तुम्हें प्यार के बारे में बहुत पता है तो तुम उस सेल्समैन के पीछे क्यों पड़ी हो। वो बस प्यार के नाम पर तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। इसके बाद हाना सीधे सैंग के घर चली जाती है और उससे पूछती है कि मैं तो कैलिफोर्निया से हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारी कोरियन लड़कियाँ खूबसूरत देखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाती है। तभी सैंग को किसी का फोन आ जाता है, इसीलिए वो अपने डॉग को लेकर फोन पर बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो डॉग वापस हाना के गोद में आ जाता है, क्योंकि वो डॉग उसी का था जिसे उसने अपने सर्जरी से पहले सैंग के घर के बाहर छोड़ दिया था। फिर जब सैंग उसे घर छोड़कर जाने लगता है तो वो दोबारा उसके पास आता है और उसके पास मौजूद एक कार के पीछे से एक स्टॉकर को पकड़कर निकालता है, जिसने अपने कैमरे में हाना की बहुत सी फोटो ली थी। दरअसल ये वही डिलीवरी बॉय था जिसने उस दिन हाना को देखते ही अपना एक्सीडेंट करवा लिया था। वैसे हाना उसे देखकर बड़ा खुश होती है, क्योंकि वो उसे इतना पसंद करने लगा था कि उसने उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया था। मगर सैंग उसे धमकी देने लगता है, जिसके बाद हाना सैंग को स्टॉकर को छोड़ने को कहती है और कहती है कि इसने क्या गलत किया है। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे इजहार करने में क्या बुराई है, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। इतना बोलकर हाना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब हाना वर्कआउट कर रही थी तो वो एमी को गाना गाने की प्रैक्टिस करते हुए सुनती है, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल कौवे की तरह थी। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो हाना उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम गाने की प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो कहती है कि हाँ। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम नहीं जानती कि मैं एक सिंगर हूँ। हाना कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे डैड कहा करते हैं कि वो भगवान है जो सब कर सकते हैं, हम इंसान तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। ये बात सुनते ही एनी को हाना के डैड की बात याद आ जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद जेनी और हाना दोनों एक है। नेक्स्ट डे जेनी का पहला कॉन्सर्ट होने वाला था, इसीलिए उसे तैयार किया जा रहा था, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मेई हॉस्पिटल में है, जिसके बाद हाना तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी सैंग भी वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसने 30 स्लीपिंग पिल्स खाई है, इसीलिए ये भालू की तरह कई दिनों तक सोने वाली है। जिसके बाद हाना मेई के बॉयफ्रेंड के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसके साथ लिफ्ट में घुस जाती है और उसे बहुत मारती है, क्योंकि वो मेई को एक घर बेचना चाहता था, लेकिन मेई ने घर लेने से मना कर दिया था, इसीलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। लिफ्ट ओपन होती है तो सैंग वहाँ आ जाता है और वो उसे लेकर सीधे कॉन्सर्ट में पहुँच जाता है। फिर वो उसे समझाता है कि जाओ अच्छे से परफॉर्म करना, लेकिन हाना इतने सारे ऑडियंस को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, जिसके बाद सैंग उसे इशारा करता है तो वो अपने आंखें बंद करके बहुत ही अच्छा गाती है। ऑडियंस उसके आवाज को सुनकर पागल हो जाती है और अपने पहले ही गाने के बाद जेनी एक बहुत ही फेमस सिंगर बन जाती है, जिससे चोई की कंपनी के शेयर्स और सेल्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं और तो और जेनी नाम के फैन पेज भी बनने लगते हैं। फिर एक दिन रात के वक्त हाना सैंग के साथ ड्रिंक कर रही थी, तभी सैंग उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है। इस दौरान वो उसे टच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हाना उसे ऐसा करने नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर ने सिलिकॉन स्किन लगाया था, जिसके बाद सैंग उससे दूर ही रहना ठीक समझता है। थोड़ी देर के बाद सैंग जब वापस आता है तभी वो घर के विंडो पर हकुना मटाटा के सिंबल को देखता है, जिसे जेनी ने ऐसे ही बना दिया था। उस सिंबल को देखकर सैंग को कुछ याद आने लगता है। दरअसल एक बार जब हाना सैंग के साथ जा रही थी तो उसने अपने म्यूजिकल नोट्स के डायरी को सैंग के कार में ही छोड़ दिया था, जिसमें उसने हकुना मटाटा का वो सिंबल देखा था, जिसके बाद वो जेनी के कुछ हरकतों को नोटिस करता है जो सेम हाना से मैच कर रही थी, और फाइनली वो समझ जाता है कि जेनी ही हाना है और उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लेकिन सैंग उससे कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे कंपनी जेनी के फर्स्ट एल्बम लॉन्च होने की खुशी में अपने सभी लोगों को पार्टी देती है,
लेकिन तभी एमी हाना के डैड को वहाँ लेकर चली जाती है, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि हाना ही जेनी है। लेकिन हाना अपने डैड को पहचानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद सैंग उसे खींचकर हाना से दूर कर देता है। और जब हाना से उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो बस मेरा फैन है, जिसके बाद मेरे उसे बहुत बुरा भला कहती है और फिर उसके डैड को वहाँ से लेकर चली जाती है। पार्टी के बाद हाना सैंग के पास उससे मिलने के लिए जाती है तो वो कहता है कि हाना तुम जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा कॉन्सर्ट होने वाला है। सैंग के मुंह से अपना नाम सुनकर हाना शॉक हो जाती है, जिस पर वो कहती है हाना कौन है, ये तो मैं हूँ जेनी। जिस पर वो कहता है कि परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताने वाला। फिर हाना उससे पूछती है कि क्या हाना और जेनी बस तुम्हारे लिए एक प्रोडक्ट ही है, जिसे तुम्हें बस यूज करने से मतलब है। सैंग कहता है कि अब बस तुम जेनी हो और रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी आवाज खराब हो जाएगी। हाना कहती है ठीक है, मैं नहीं रो रही, मैं कल किसी भी हाल में तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट करूंगी। इसके बाद हाना गुस्से में वहाँ के पोस्टर को फाड़ने लगती है, जिससे कि उसका हाथ कट जाता है। सैंग उसके कट को ठीक करने लगता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इससे बड़े बड़े कट अपने बॉडी पर लगवाए हैं। दरअसल हाना ने सैंग के लिए खुद को चेंज तो कर दिया था, लेकिन सैंग को हाना के जेनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बस अपने कंपनी के TRP से मतलब था। नेक्स्ट डे एमी कंपनी के चेयरमैन को ये बता देती है कि हाना प्लास्टिक सर्जरी कराकर जेनी बनी है, इसीलिए चेयरमैन हाना के कॉन्सर्ट को कैंसिल करवा देते हैं, क्योंकि इससे उनकी कंपनी की बहुत ही बड़ी बदनामी होती। लेकिन सैंग ऐसा करने से मना कर देता है, वो किसी भी हाल में हाना से परफॉर्म करवाना चाहता था। ये सुनते ही चेयरमैन सैंग के फेस पर पानी फेंकने लगते हैं, लेकिन सैंग गिलास पकड़कर उसे फोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि भूलो मत, ये कंपनी मेरी वजह से इतना आगे आया है। जिसके बाद वो हाना को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन हाना कॉन्सर्ट करने से मना कर रही थी, जिस पर सैंग कहता है कि मुझे बहुत पहले तुम्हारे ऊपर शक हो गया था और मैं हमेशा से यही था कि तुम अपनी आवाज दुनिया को खुद सुनाओ। मैंने हाना को भी मौका दिया था और अब मैं जेनी को भी देना चाहता हूँ। जिसके बाद हाना कॉन्सर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। कॉन्सर्ट में हम उस स्टॉकर को भी देखते हैं जो जेनी के लिए चेस कर रहा था, और तो और जेनी के डैड भी वहाँ आए थे। लेकिन एमी ने कुछ गड़बड़ करने का प्लान किया था। फिर जब कॉन्सर्ट शुरू होता है तो हाना के डैड स्टेज के आगे आकर डांस करने लगते हैं, इसीलिए कुछ बाउंसर उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं तो हाना उसे रुकने को कहती है, और फिर वो सारी ऑडियंस से माफी मांगते हुए कहती है कि ये मेरे डैड हैं और मैं जेनी नहीं हाना हूँ। पहले मैं बहुत मोटी और बदसूरत हुआ करती थी और स्टेज के नीचे छुपकर किसी सिंगर के लिए गाया करती थी, लेकिन फिर मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खुद को ऐसा बना लिया ताकि मैं आप लोगों के सामने आकर गा सकूं और कोई मुझे प्यार कर सके, लेकिन अब मुझे पुरानी हाना बनना है। तभी सैंग खुद स्टेज पर हाना की पुरानी वीडियो प्ले कर देता है, जिसे एमी ने वहाँ प्ले करके उसे नाम करने का सोचा था। लेकिन उसकी स्टोरी सुनने के बाद ऑडियंस बहुत इमोशनल हो चुकी थी, इवन स्टॉकर भी रोने लगा था। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम सब तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। जिसके बाद सारे ऑडियंस उसे गाना गाने के लिए कहने लगते हैं, जिसके बाद हाना गाना गाती है जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। गाने के बाद हाना अपने डैड को जाकर गले लगाती है। ये सब देख कर चोई वहाँ पर पटाखे फोड़ने लगता है। अब हमें कुछ दिनों के बात का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे स्टोर पर हाना के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। लोग हाना के दीवाने हो गए थे और सैंग भी हाना को पसंद करने लगा था। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।